दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल ड्रीम्स कम ट्रू में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से, और आज है मंडे और जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक ट्यूसडे आ चुका होगा, क्योंकि आज शायद नहीं भी जाए, हो सकता है शाम तक आ भी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अपना आज का नया कुछ काम। इस तरह से मेरा जो बेड है वो रेडी हो चुका है, वो साइड में देख रहे होंगे आप। थोड़ा सा मैं उसको और क्लोज कर देती हूँ, वो साइड साइड में ये जो साइड में दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैंने इसलिए लगाया रहता है, आदि इसमें कई बार क्या हाथ डाल देता है इसलिए। गुड इवनिंग दोस्तों, और कल मुझे मिली एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और खुशखबरी मेरी जो कुक है, मतलब हमारे हॉस्टल की जो कुक है, वो प्रेग्नेंट है और अभी उनका 6 मंथ चल रहा है। बहुत मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। खैर तो आज वही है, अभी मैं आपने देखा आदि का जो मैंने कबर्ड साफ किया, तो उसमें इतना सारा सामान जो है, मतलब उसका बहुत छोटे हो गए जब ये, मतलब डे वन से लेकर अभी तक, अभी ये 15 मंथ का हो गया है, तो ये सारे क्लोथ जो है वो अब है, अब इसके किसी भी काम के नहीं है ये तो। और इतने छोटे छोटे क्लोथ्स हैं और इतने सारे हैं कि होता है ना, बच्चा जब छोटा सा होता है और जब आप न्यू पेरेंट बनते हो तो मतलब उसके लिए हर वो चीज़ लाते हो और जो मतलब उसको चाहिए होती है, मतलब सिर्फ उसकी नीड का ख्याल नहीं कि मतलब हमारा बच्चा बहुत सुंदर दिखना चाहिए, इस हिसाब से उसके लिए बहुत सारे क्लोथ्स हमने उस समय लिए थे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये देखो, यहाँ से लेकर ये नीचे से लेकर ये ऊपर तक इसका इतना क्लोथ्स है कि अभी ये मतलब छोटा हो गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर उनको ये चाहिए होगा, अब वैसे थोड़ा सा मतलब झिझक भी होती है कि भाई ये ना, मतलब सामने वाले को ऐसा ना लगे कि भाई पुराने क्लोथ्स दिए जा रहे, लेकिन आप इनका करोगे भी क्या, मतलब है ना। एक बार पूछूंगी उनको कि अगर उनको चाहिए होगे तो बहुत अच्छी बात है ना, और नहीं तो फिर ये मेरे पास पड़े रहेंगे, उसका कोई ये नहीं है। पर इतने सारे है ना, इतने सारे, मतलब ये सारे, अब ये न्यू बॉर्न होता है बच्चा तो उसको ये सारे बहुत जरूरी होते हैं। अभी कुछ और ऐसे बच्चे हैं
जब मैं सोच रही हूँ कि अगर उनके काम क्यों होंगे, अगर उनके ये किसी ना किसी काम में लग जाए तो मतलब बहुत अच्छी बात है ना। किसी का अगर जो हो सके, कई चीज़ें होती है ना जो भाई हमारे काम की नहीं होती, लेकिन किसी के लिए उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बस अब कल पूछूंगी उनको कि भाई अगर आपको चाहिए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा अजीब भी लगता है, पर हो सकता है उनकी ज़रूरत का सामान हो ये। तो अभी बस घर की वही जो हालत है वही सुधारने में लगी हुई हूँ, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो ये मैंने पैकिंग कर दी है, तो इतने क्लोथ जो है मैंने उसको जबरदस्ती भर दिया है, इसको मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं थी इस बैग की जितने इसमें मैंने कपड़े डाल दिए। तो ये मैंने उनके लिए बैग रेडी कर लिया है। अब मुझे लगता है कि मैंने उस कल वैसे पूछा था इनको कि भाई डॉक्टर ने, हमारा क्या है फर्स्ट फ्लोर में है, तो कई बार डॉक्टर ने मना किया होता है ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा मना नहीं किया है, लेकिन होता है ना जो माँ बनने वाली महिलाएं होती है या माँ बनती है जो शुरू, उनका सेकंड बेबी एक है, तो लगता नहीं है कि भाई उनको भाई काम करवाया जाए, लेकिन मना कर दूँ तो भी नहीं अच्छा लगता। मैंने उनको पूछा भी था, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और कर सकते हैं ऐसा। बहुत डर लगता है कि कहीं भारी बाल्टी ना उठा दे, तो कल तो मैंने खुद ही भर के रख दिया था, लेकिन होता है ना आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और मेरा ऐसा है कि मुझे इतना समय नहीं लगता है कि भाई देखूँ मैं उनको। हमारी जनरली जो बातचीत होती है मेरी अपने हेल्पर्स के साथ, वो बस जब पेमेंट का टाइम होता है तभी होती है, अदरवाइज वो क्या बना रही है क्या नहीं, हमारा कोई मतलब ये नहीं होता डिमांड कि आज ये बना दो या ज़्यादा नमक हो गया है ये कैसा किया, नहीं जो उनके मन में आता है हम चुपचाप खा लेते हैं, कुछ कोई कंप्लेन नहीं। और वो भी इतने अच्छे हैं कि मतलब जैसे अपने घर वालों के लिए वो तैयार करते होंगे, ठीक वैसा ही हमारे लिए भी करते हैं, कभी उन्होंने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अब ऐसा है कि उनकी जगह किसी को शायद हम रखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका वेट करेंगे और तब तक खुद की ड्यूटी लगी रहेगी शायद उसमें, ऐसा लगता है मुझे। और उनको बोलूँगी खैर एक बार कल मैं कि भाई आप रेस्ट ले लो, पर देखो क्या होता है, वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो आज का व्लॉग मेरे हिसाब से मुझे अब फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग भी काफ़ी ठीक नहीं है। तो बस इतना सा ही था, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और बने रहिए ड्रीम्स कम ट्रू के साथ। थैंक यू सो मच।